शंकर जी की शादी होत रही से तो शादी में ब्रह्मा विष्णु महेश सब ब्रह्मा विष्णु आरिन है तो पंडित है पूछा थे नारद जी है आपके पिता का क्या नाम तो शंकर जी कहते सबके पिता ब्रह्मा है तो मोरो पिता ब्रह्मा है ब्रह्मा और आपके पिता का पिता पिता के पिता का क्या नाम आपके दादा क्या नाम बोले मेरे दादा का नाम विष्णु और विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा हो विष्णु और आपके परदादा कौन शंकर जी बोले सबका परदादा मैं अब क्या पूछना है पूछो और की तो शंकर जी कहां माता पिता पावेगा वो तो सबके माता पिता है कर कौन माता पिता है देवाधि देव महादेव है नहीं तेला पूछा थे तोर पिता कौन तोर बाबा कौन वो ओला इसने पूछी था वो जवाब पावे करी थी नाचिस गईस खूब कूदिस काम देव भगवान के तीसरा नेत्र खुल गए आगी फेंकिस भैया भर 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 जब आगी फेंकी छर 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 काम देव जल के राख हो गई राखत भले राख तहन आखिरी राख राग बेत राख नहीं राख अते झान राख अतेक राखे कोशिश करी नहीं राख सकिन ते के दिल राग बेत राख आखिर में होना छे राख तहू हो बे राख महू हो राख सब हो राख शुरू से आखिरी तक सब है राख एक स्थिति शंकर भगवान चुपल है राख और मैं जो बात बताया तो बने ख्याल में राख काम देव खत्म हो गए ओकर शरीर है हवा हो गए हवा रूप में हो गए ओकर पत्नी रति ओ रोवा तो रोवा तईस मैं का करूं दाई रोवत है रति बाई हाय कैसे हो गे दाई सरी साज सवार धोआगे मोर लाली सिंदूर पोछागे सरी साज सवार धोआगे मोर लाली सिंदूर पोछागे मैं तोरे संग में जाते हूं सारी दुनिया ला तजी आते हूं मोर पीछू में लईका बाला में दुख गोहरावा काला सारी लड़ाई झगड़ा सारी गे तोर सारी लड़ाई झगड़ा सारी गे ये दुनिया पापी तर गे तोर सोना काया जर गे तय सदके जी भैया मर गे चंदन चिता रचाए मोर जोड़ा ला पौढ़ाए पंडित मन गीता गाए धुआं में सूरज नहाए चंदन हा बन गे आगी मोला कर दे पाप के भागी मैं जन्म जन्म में आवा तू ही लापति पावा हाय शंकर भगवान भोलेनाथ गलती करी मोर पति काम देव तेला जला के राख कर दे लेकिन मैं काय गलती करे हूं तेला बता दे मोर सुहाग लते काबर छीने मोर सिंदूर लते काबर पोछे मैं का पाप का गलती कर रहे हूं तेकर मोला सजा देहास शंकर भगवान कथे ठीक कहा था तू रति मैं तो तोर बारे में सोचे नहीं गुस्सा गुस्सा में यहां जला दे तोर पतीला लेकिन ते चिंता मत कर बेटी रति तोर नुकसान करे हां तब थोड़ा बरदान भी दे हूं मैं यहां समझे अब ते हां अगले जन्म में
द्वारकाधीश कृष्ण भगवान के बहु बनवे, ये काम देव है द्वारकाधीश के बेटा बनी, एकर नाम हो ही प्रद्युम्न, कामदेव के नाम प्रद्युम्न हो ही। उती कामदेव प्रद्युम्न बन के भगवान द्वारकाधीश के हाथ जन्म लीस। उती संबरासुर राक्षसरी से वो अपन दरबार में बैठे है, बोला ज्योतिषी मन बताई कि द्वारकाधीश भगवान के जौन बड़े बेटा ओकरे हाथ से तोर मृत्यु हो ही, तो पता लगे सोकर जन्म हो गए है। राते रात आकाश से उड़त गीस के मायावी दानव, माया जाने वहा उड़त गीस और पलंग सुधा उठा के लैका ले आनीस, औलान के समुद्र में फेंक दीस, वो बच्चा ले एक मछली लील दीस, ऐसे मछली बड़ा भारी मोल खुले रहा है लेकर हुई समागे बिहनिया। मछली पकड़ने वाला मन है मछुआरा मन, मछली पकड़ा थे वो बड़ा भारी मछली पड़े रहा है ओकर पेट में प्रद्युम्न रहा है, बोला खींचत लानी और गाड़ी में भर दीन, और गाड़ी में भर के उनकर राजा ए संबरा सूरती हाँ ले गए। देखे अपन मौत ला आदमी हा खत्म करे कोशिश करते, लेकिन मौत कभी खत्म हो ही नहीं हो। मछली पकड़ के ले आनी नव समरासुर के दरबार में लानी, महाराज आपके लिए कह जाओ पाकशाला में पहुंचा दो, इनाम दे दी सोमन ला। वहां लेके जब पेट ला चीरीन मछली के तो प्रद्युम्न पेट में रहा है भैया, वहां दे देखो 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 मछली पेट में मन खेक लईका, ऐसे सब जोर जोर से चिल्लावा थे। तो रति अपन रूप बदल के और नाम रखीस मायावती, का नाम है मायावती। मायावती नाम रखीस भैया, और समरासुर के घर में रांधे पकाए के काम करत थे रसोईया के काम। कावर शंकर जी बता दे मोर पति ये मिल ही, जब वो सुने कि सब चिल्लावा थे बच्चा के बारे में दौड़त गीस, वो पहचान डरीस की ही मोर पति है, शंकर भगवान के वचन है। ए चिल्लाओ मत बच्चा ले गए, अवला बढ़िया गाय के दूध पिया पिया के पोसा थे लेख कौन है वो रहती होकर पत्नी मायावती है, और पति काम दे देते अभी बच्चा है, ऐसे ने कभी देखे हा कभी सुने हा। एक लड़का डॉक्टरी पढ़ेल गई विदेश में, तो वहां एक ठन टेबलेट बनीस उम्र घटाए के, तो पार्सल कर दिस मोर माता पिता सियान हो गए गोली खाई तो बने नवा हो जाए जवान, पार्सल से भेज दी सब लिख दी चिट्ठी में समझा के, जब पढ़ाई खत्म हुई तब वापिस आई, तब अपन घर के पास पहुंची तो देखते एक स्त्री है बच्चल पाए बैठे है, आओ बेटा वो पहचान डरीस, अवकर उम्र घट गिरी से जवान हो गई से, तब लड़का नहीं पहचानीस, देखो ना सुनी तोर माओ वो गोली भेज रही तेल खान थे हमारे उम्र कम हो गए, अब पिताजी कहाँ हैं? ए दर तोर पिताजी पाए बैठे हम, ये कैसे हो गए? वो ज्यादा नवा हूं ज्यादा जवान दिखूं कि के सबे गोली लेकर ठा खा दीस। तो एकदम है उम्र घाट गए, वो कार लड़का बन गए ऐसे। अब वो देवी देवता मान लग आज छोटे होत बड़े होत लागेगा है नहीं, अब धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हो गए। एक दिन कोई बात के विवाद हो गए समरासुर से, वो तो दुश्मनी और दोस्ती सब भगवान के द्वारा बनाए गए है नहीं, दोनों में युद्ध हो गए,
प्रद्युम्न और समरासुर के भयानक संग्राम हुए, समरासुर मारे गए। अवेति भगवान हा रुक्मणी माता रोवा थे कि मोर लड़का कहाँ गए, कौन ले गए। तो खोजे वर निकले सब के सब, खोजत खोजत मिल गए मनहा प्रद्युम्न और मायावती, दोनों रथ में बैठारी और बढ़िया धूमधाम से द्वारका में दोनों के विवाह हो। इस भगवान अब बहू बेटा वाला हो गए। अब द्वारका में निवास करते हैं भगवान। वही द्वारका में एक जन आदमी रही से, ओकर नाम सत्राजीत। वो सूर्य नारायण के वरदान पारी से, ओकर पास एक मणि रही से, समंतक मणि, बोला सूर्यकांत मणि भी कथे। वो समंतक मणि के का है गुण, यहां रहते यहां दुकाल नहीं पड़े, दुर्भिक्ष नहीं पड़े और रोज आठ भार सोना उगले वहां रोज। कृष्ण भगवान सोचिस कि अरे एकर पास रहना ठीक नहीं, चोर डाकू आज ही तब जान के खतरा है, पहले अपन पास मत रख जी घर में, पहला राजा खजाना जमा कर दे, जब थोड़ा जरूरत पड़ी तो ले ले दे। वाह, मैं कावर खजाना जमा करूं अपन चीज ला, मोर चीज मोर पास रही। ऐसी की दिशा भगवान के सलाल नहीं मानी, सोकर कैसे कल्याण हो। एक दिन होकर छोटे भाई वो से मन तक मणिक माला पहिर लीस और पहिर के घोड़ा में सवार होके शिकार खेले बर जंगल में चल दीस। शिकार का खेलिए, खुदे शिकार हो गए। बरजनी बखवाई भैया घोड़ा समेत हवल दी सोला, अब नहीं आईस वापस। तो कर भाई सत्राजीत कहते दे कृष्ण से मंतक मलिल मांगा त्री से खजाना जमा कर दे, कि ओकर बात ला नहीं माने तो बाहिरे बाहिर खत्म करवा दिस। मोर भाई ला से मंतक मनीला हड़प लीस, ऐसी जगह जगह वो कर बदनामी करा थी जी। देखो कि भगवान के कान में पड़ी से बात, कहते बिना जाने सुने बात करते, पता लगाना चाहिए पहली उन्होंने तो दोष लगाना, मैं ही पता लगाऊ कि अफवाह फैलाए मजा आवा था बदनामी करे में। भगवान खुद सैनिक लेके पहुंची तो घोड़ा के पांव के चिन्ह है, देखत देखत कि जंगल में खोजत खोजत होकर बाद देखते तो मनुष्य के शरीर के हड्डी पड़े है और जानवर मैंने घोड़ा के शरीर की हड्डी पड़े है, दोनों कुण मार दरीस। आगे देखी तो भालू पांव चिन्ह, वो चिन्ह ल देखा देखा गिर तक गुफा में पहुंच गए। वो सेमन तक मणिला बच्चा खेलत रहा है तो भीतर में बहुत प्रकाश अंजोर फैले रहा है मणि के। हाँ बोला मांगीस भगवान दे दे कि के भगवान ल देखी तो लड़का जोर से रोईस, तब गुफा के भीतरी से बड़ा भारी भयानक भालू निकलीस। अरे अब भगवान और भालू के लड़ाई शुरू हो गए, मारिक मारा पिटिक पिटा धारिक धारा तिरिक तिरा दे बराबर दे धड़ाधड़ दे दमादम दोए दोए दे दनादन दोए दोए दे भदाभद दे भदाभद दे भदाभद पटकी पटका हटकी घटका झटकी झटका मुटकी मुटका दे धड़ाधड़ दे तड़ाधर दे दमादम दे दमादम। ऐसे लड़ाई हो तो इसे लागिस नहीं, ठला बैठे तो लागिस थोड़ा सा लगना चाहिए जी का होते है नहीं लछरा ऐसे थोड़ा तो कर नमूना आना चाहिए। अब मैं उपकाय बर उसने बोल था थोड़ा सा उबक जतनी तब बने लाग थे। अब साग बने और वो हरदी उगते नहीं है, उबकना चाहिए नहीं है, इसने मैं उपका था। तो 28 दिन तक लड़ेगा बिना खाए पिए, भगवान के सामने कौन टिकी हो, तो खिलावा थे खेल करे थे लीला करे थे, ये तो एक बेर में खत्म कर देती। ऐसे जामवंत से युद्ध भी भालू से युद्ध हुआ था, लड़ते 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 जामवंत की आंखी खुल गए, कहते ये तो छोटे मोटे आदमी है साक्षात भगवान है। जामवंत कहते ते हुई हस कौन जौन त्रेता में राम रहे तो उन्हें कृष्ण बने हस,
मैं पहचाने नहीं, मोला क्षमा करो। तो जामवंत है और कृष्ण भगवान, दोनों भक्त और भगवान, जन्म जन्म के आप प्रेम है, भक्ति है, दोनों मिले प्रेम से। और बात फिर एक मणि बलदम दो मणि लानी, समंतक मणि। और जामवंत कथे मोर बेटी जामवती, कहा खोजत रहू एक बर बिहाव करूं, ते आगे है तो ती ले जा, दे दी जामवती ला। अवती रुक्मणी माता रोवा थे, कैसे गे थे आए दिए, काबर नहीं आवा थे, अब वो का जाना थे एक झन के है और डबल आही की के। जब महल में प्रकट हुई जामवती और भगवान, कथे आए बने करे अच्छा लागिस मोला, फिर संग में कौन लाने हाओ। अब इसने जी हाँ जी हाँ जाहो तिहा तिहा लान हो, तब तो नहीं है ठिकाना। कैसे कर बे वो, अब प्रेम से दे दीस है नहीं, ले जा की के, तब मोर से तो नहीं हो नहीं जान थपते हैं। ले कुछ हो अब का कौन लाना, कुछ लाना हमला का करना है, फिर घूम फिर के आ जाए करो, वही बहुत है हमारे बार है नहीं। आगे वापिस नहीं चाहते तो कैसे करते, आगे ती ही बहुत है। रुक्मणी माता खुश हो गई, जाम वतीला लेगी बने खवाइस पियाज भैया, प्रेम से रहे लगी। आओ इसने वो आठ पटरानी हो गए, छह उलानी, कौन कौन है, जामवती, रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी इत्यादि इत्यादि आठ पटरानी। और 16,100 रानी लेद वाला कमती है, यहां तो एक ठन रानी मूल घर पानी घोर घोर रानी हुआ थे। एक राक्षस ऋषि दानव ओकर बाद स्यमंतक मणिल 17 जीत लेके आगे भगवान की 17 जीत के पास। ये भैया स्यमंतक मणि तोर भैया तोर भाई पहन के गेरी से जामवंत के पास रही से और मोर नाव लेवत रहते हैं ये राक्षस। तो 17 जीत कथे ये समंतक मणि तो तू ही अर्पित करा था, और एक मणि वो है मोर घर के केस, मोर बेटी सत्यभामा ये हो स्वीकार कर ले भाई के। तो कहे समंतक मणि जेकर से अतिक ते मोर निंदा करे अबजस करे, ये मणि नीलम है, फिर ये बिचारी का गलती करे, चल की केवल ले आनी सत्यभामा ला। ऐसे आठ पटरानी हो गए भैया, एक भौमासुर नाम के राक्षस, वो भौमासुर का प्रतिज्ञा कर रही से 20,000 राजकुमारी दुनिया भर से इकट्ठा करूं, 20,000, और जब 20,000 हो जाही तब एक साथ सबसे बिहाव करूं। अरे दुनिया विचित्र है जी, रंग रंग के आदमी जी, आओ उटपुटांग भाई सुन गए थे विश्वास नहीं होनी, एक बार दुनिया है जी, मेनी मैन मेनी माइंड्स, भिन्न रुचि रही लोग कहा, जबकि आदमी तब के दिमाग जी। तो वो काय सोचे 20,000 राजकुमारी इकट्ठा करके एक साथ बिहाव करो, बताओ भला। वो इसने लान लान के हरण करके लाने हैं, रावण हाथ तो एक सीता खरण कर, इसे तो 16,100 हर के लाने हैं। ये तो रावण ले वो पार हो गए, और सब जेल में बंद हैगा, जेल में सब लस अकेले है, और मन रोवत बिचारी मन गा राजकुमारी मन, हाय हम का गलती करें का पाप करें, ती राक्षस हमला हर के ले आनीस भौमासुर है।
हम तो कोनो डहार के नहीं हो। अब यहां जाबो तो समाज के मन नहीं राखे, अब यहां रहो तो ये राक्षस नहीं बचाए। हे भगवान हमला का बार जनम दे, तिरिया जाना मा जानी देवे, ओ सुआना तिरिया जाना मा जानी देवे, तिरिया जाना मा मोरे गऊ के बारो बनारे सुआ हो। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। सपनम सुख नहीं मिले, मैं तो कर कल देखता हूं नहीं भगवान लथा में। हे भगवान सब बना देवे, फिर सब बहुत रोआ थे गा कल्पा थे नहीं। भगवान सुंदरी सुकर पुकार ला, पथ देखत नैनाहारे, तब आओगे श्याम हमारे, रिश्ते छूटे नाते छूटे, छूटे सभी सहारे, आशा की नदिया भी सूखी, दूर हुए किनारे, कब आओगे कृष्ण हमारे, कब आओगे श्याम हमारे। पाप बोझ से लदी नैया भवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगी मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं, सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया द्वारका देश दौड़ो, आओ रक्षा करो। भगवान पुकार सुन के आईस और भौमासुर से युद्ध हो गए भगवान के, और भयानक संग्राम हुई भौमासुर बरदानी जी से, मरवे नहीं कर गाओ, मरते नहीं है किसे बनी भाई। बोला बरदान दी भौमासुर ला कि जब तोर खुद माता कही मर जा तभी मर दे, नित्य नहीं मार, कोई नहीं मार सके। भगवान तरीका लगाई युद्ध के बीच में वो द्वारका पहुंच गए। भैया सत्यभामा कथे सेवा वगैरह करीस, कहते कैसे वो युद्ध हुआ थे। हाँ बहुत जोरदार युद्ध हुआ थे, भारी मजा आवा थे एकदम ऐसे। हाँ महो देखते हो मन मन हुआ थे, कहते चल ना किस रथ में बैठार के लेके। अब ये भौम भौमासुर जो है वो पृथ्वी से पैदा हो, भूमि से भौम, और सत्य भामा हा भूमि के अवतार है, पृथ्वी के अवतार है, तो भौमासुर के माता है। जब प्रहार करी भौमासुर भगवान के ऊपर, यहां मेरे छेद आ गए, यहां मेरे तीर लग गए, यहां मेरे तलवार लग गए, खून छलक गए, सत्य भामा सहन नहीं कर सकी। कथे भगवान लाते कष्ट देवा था, जा रहे दुष्ट तोर नाश हो जाए, मार जाए सिक्की दी ओकर वरदान कट गए। भगवान मारे तीर छाती लगे गिर गए, मर गए काय। सवे 16,100 राजकुमारी मन मिलीन भगवान से, जेल से छूटिनगा, जेल से छुड़े सब भौमासुर मर गए, जौनो मल्ला बंद कर देते हैं, है नहीं।
तब भगवान कथे जब 16,100 है तब खबर करिस उनकर माता पिता घर तुम्हार लड़की अब भौमासुर के जेल से मुक्त हो गए, ले जाओ आके की कोई नहीं है इनका। एक साल ले राक्षस के महल में रहे है, चिल्लान के रखबो और पहली जमाना में बड़ भेदभाव माने जी, लान के रखबो तहाने जात समाज वाला हमला छोड़ दी ही, दूसर लड़की लड़का के शादी करना है उन्होंने अथी कोई नहीं लगी भाई। तब मैं अपन पैसा खर्चा करके अपन चीज लगा के इन सब लड़की मन के शादी कर देता हूं मैं यहां, तो सब राजा राजकुमार मन कर खबर भेजी का भगवान शादी करना है, बताओ लड़की मन बने सुंदर है, रूप गुण है, समझदार है, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, कोई बात की कमी नहीं है, शादी कर लो। वाह हम शुद्ध क्षत्रिय हैं, एक साल लेजे भौमासुर के जेल में रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम ऊंचे हैं ऐसी की दीजिएगा वो मन स्वीकार नहीं करी। तब सब रोए लगिनगा राजकुमारी मान माता पिता घलो नहीं चाहे हमला और कोई स्वीकार करे बर तैयार नहीं है, हम का करन कहां जान, हे भगवान हमला का बर जन्म देते हैं। सब रोइनगा भगवान कहे चुप रहो रोग जरूरत नहीं है, अब उन्होंने नहीं लगाते तो कैसे कर दे, चलो सब के सब महल में रहो खाओ पियो और भाव भक्ति करा तो उन्हें पड़े रहो, चलो सब ले आनी का 16,100 आवाज तो वहां पहली है ले आनी ताने द्वारका के मन है सब कहे लगेगा, जब भगवान राम लग कहे बर नहीं छोड़ी तब कृष्ण लग कहे बर छोड़ी है वहां दे द्वारकाधीश को देखो कहां से सब लड़की मल ले आने हैं अपन महल में रखे हैं, चिक्की के सब हंसी उड़ा लगेगा। भगवान कहते अच्छा तो बिचारी मन सुने तो रोए हमार सेठी, अब देख भगवान ल सुने पड़ा थे हमार सेठी अतिक हमार किस्मत माता पिता त्याग दिन दुनिया त्याग दिन, बिचारा भगवान आ सहारा दे हमार ला तेहू ले दुनिया नहीं छोड़े है, एकल ले तो मार जबोती ही अच्छा है। भगवान कहे चलो सब खड़े हो जाओ लाइन मार बिल्कुल दौड़ी फंदा जाओ, अरे दुनिया वाला कैसे कही तेल में देखा था, और भगवान हाँ सबसे ऐसे बांध लीज भैया आचराला और बांध के एक साथ सात भावर किंजरीज का सब संग, अब कौन बोलता है मैं देखता हूं किस कौन बोली अब का चुप। अब नारद मुनि सोचिस कि यहां एक रानी रथे यहां तो बड़ा भारी कहानी होते, अब एक 16,108 रानी है रहा तो कैसे हुआ थे लड़ाई झगड़ा, चलो देखे बर जाओ। ऐसे कही के भैया नारद जी तमाशा देखल गए झगड़ा होत हुई कि के अब बरजन है 16,108। अच्छा ये मेरा अंदाज लगाओ ना के हजार हो सबे जन कैसे उसका नहीं कुछ कम हो नहीं तो हो भी सकते, अब अतके रानी धीन समझ जाओ देख ले दूसरा देखी बेहोश हो जाए। एक महल में गिस नारद जी कहा हुआ था कि देखे बार वहां देखते बढ़िया भगवान बैठे है और रानी जौन है सुंदर भोजन करावे थे भगवान ला है, यहां भगवान है तबे खुश है दौड़ा दूसर महल में किस वहां दूरियाल देखीस भगवान हो बैठे है और रानी पंखा चलाते वो भोजन कराते, अरे इन्हो भगवान है। तीसरा महल में की दौड़त वह एक रानी एक भगवान, अरे दौड़त चौथा महल में की पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा दसवां हक खागे हार खागे थक गे
कथे दादा सब एक क्षण पाए तभी पता नहीं चलाते। अमिता रूप प्रगट।